मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा, प्रदेश की सभी 6000 अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा वैध। ग्वालियर में आयोजित हितग्राही सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने 975 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। भोपाल में स्मार्ट सिटी के सीईओ का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, स्मार्ट सिटी परियोजना को शहरों के विकास में बताया उपयोगी, युवाओं को स्मार्ट सिटी परियोजना से जोड़ने के लिए किया आह्वान। केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी भोपाल स्मार्ट सिटी परियोजना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किया उद्घाटन, ट्रांसपोर्ट, जल, आग, पुलिस, मौसम और ई गवर्नेंस जैसे विभिन्न विभागों की मिल सकेगी एक ही स्थान पर जानकारी। मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों का 2-3% तक बढ़ाया महंगाई भत्ता, संविदा नियुक्ति के नियमों में किया संशोधन, रतलाम मेडिकल कॉलेज और जबलपुर में टीबी सेंटर के उन्नयन प्रस्ताव को भी मंजूर किया। भोपाल में कॉटन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आयोजन, सम्मेलन के 3 सत्रों में कृषि विशेषज्ञों और प्रगतिशील किसानों ने रखे विचार, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने मध्य प्रदेश के जैविक कपास की मार्केटिंग पर दिया जोर। मध्य प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए बेहतर माहौल बनाने में राज्य सलाहकार बोर्ड करेगा मदद, राज्य सलाहकार बोर्ड की बैठक में लिया गया निर्णय। मंत्री गोपाल भार्गव ने प्रदेश में एक्सेसिबल एमपी अभियान चलाने का किया आह्वान। पोषण संवेदी खेती और पोषण जागरूकता पर भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का होगा आयोजन, 14 से 16 मई तक आयोजित कार्यशाला में विभिन्न देशों के विद्वान होंगे शामिल, कार्यशाला में होने वाले विमर्श के परिणाम नीति आयोग के सामने होंगे प्रस्तुत। इटारसी जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मंगलवार को भड़की आग से हुई अफरा तफरी, होशंगाबाद और इटारसी से पहुंचे दमकल वाहनों ने आग को किया काबू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य शिविर का किया निरीक्षण, शिविर में बीएमडी मशीन से अपने पैर की कराई जांच, होम्योपैथी चिकित्सा कक्ष का निरीक्षण कर रोगियों के संबंध में ली जानकारी। केंद्रीय मोटर व्हीकल प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षित जवानों का डबरा में हुआ आत्मीय स्वागत, दल के जवानों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर बनाए हैं अनेक कीर्तिमान, गणतंत्र दिवस परेड में अपने हैरतअंगेज कारनामों का कर चुके हैं प्रदर्शन। प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर में 12 मई को आयोजित किया जाएगा पासपोर्ट मेला, मालवा अंचल के सभी जिलों के आवेदक कर सकेंगे आवेदन, इंदौर पासपोर्ट सेवा केंद्र में आयोजित किया जाएगा पासपोर्ट मेला। जून से सितंबर तक होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मंगलवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने खोला ड्रा, 3,734 लोगों ने यात्रा के लिए किया था आवेदन, इस बार सिक्किम के नाथुला दर्रे से भी हो सकेगी यात्रा। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल में विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन, मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी, विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। आईपीएल के एक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 15 रन से हराया, 158 रन बनाकर राजस्थान रॉयल्स ने किंग्स इलेवन पंजाब को 143 रन पर रोका, जोश बटलर ने खेली 82 रन की दमदार पारी। विभिन्न राज्यों में आंधी तूफान और बारिश से प्रदेश में तापमान में गिरावट, मौसम केंद्र के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश से विदर्भ तक द्रोणिका के प्रभाव से बनी नमी, वातावरण में नमी बढ़ने के कारण रात के तापमान में होगी वृद्धि।